एयरपोर्ट की राह जोह रही है। पिछले एक दशक से पूर्णिया एयरपोर्ट सियासी मुद्दा भी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पूर्णिया से उड़ान की बात कह चुके हैं। ऐसे में आज का दिन सीमांचल के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद सीमांचल के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई। इस रिपोर्ट देखिए। सीमांचल को बहुत बड़ी सौगात, पूर्णिया एयरपोर्ट का रास्ता साफ, पूर्णिया से हवाई उड़ान की बाधाएं दूर। दशकों से पूर्णिया एयरपोर्ट की राह देख रहे सीमांचल के लोगों के लिए खुशखबरी है, बेहद जल्द पूर्णिया से हवाई उड़ान का सपना साकार होने वाला है। 24 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ ही प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री लेसी सिंह ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। जल्द ही पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। अब शुरू होगा काम। ये खुशखबरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पदार्पण से ही ये एयरपोर्ट बनने की जो बाधा थी वो दूर हो गई, अब इसमें काम शुरू होगा। हवाई यात्रा यहाँ से शीघ्र प्रारंभ हो, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो विभाग के अधिकारी हैं और प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी, उनके साथ बैठ करके समीक्षा की। पूर्णिया से हवाई उड़ान का इतिहास 90 साल से ज्यादा पुराना है। 1933 में पहली बार पूर्णिया से हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। 1965 में पूर्णिया के चूनापुर में सैन्य हवाई अड्डा बना। 2015 में पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने का ऐलान किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई। सीएम नीतीश कुमार के पूर्णिया दौरे से सीमांचल के लोगों की उम्मीद जगी है कि पूर्णिया से हवाई उड़ान का सपना अब जल्द पूरा होगा। वहीं पूर्णिया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने काझा कोठी में मिथिला हाट का निरीक्षण भी किया, तो काझा कोठी से पूर्णिया के नवनिर्मित 8 थाना का उद्घाटन भी किया। वहीं बिहार के 3 बार सीएम रहे भोला पासवान शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया।